हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज 54 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 3 फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इसमें ये वर्ड प्रॉब्लम है और इस वर्ड प्रॉब्लम से पहले लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो ये फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट। इसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी पिछली वाली वीडियोस में दिखा चुके हैं, तो आप उससे देख सकते हैं। तो इसके फोर्थ पार्ट में क्या है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। So what are the fixed charges and the charge per kilometer? And the second question, iska second part hai, how much does a person to pay for traveling a distance of 25 kilometer? Iska matlab kya hai, pehle is word problem se hame linear equation banani hai aur uske baad mein usko substitution method se value nikalni hai aur uske baad mein fir hame 25 kilometer ka kitna pay karna padega ek person ko wo bhi batana hai। तो इसमें क्या है कि टैक्सी चार्जेस में दो तरह के चार्जेस हैं, एक तो फिक्स्ड चार्ज और दूसरा है पर किलोमीटर चार्ज। तो हम मान लेते हैं यहां पे कि लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। ये हमने मान लिया। अब हम देखें यहां पे कि फिक्स चार्ज तो फिक्स है, तो हम यहां पे इक्वेशन क्या बनाएंगे, एक्स प्लस अब पर किलोमीटर चार्ज का देखें हम यहां पे, देखो क्या लिखा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। सो 10 किलोमीटर के लिए हमने पर किलोमीटर चार्ज क्या माना है, वाई। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय वाई, और उसके लिए कितना चार्ज देना पड़ रहा है, और डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹105। सो इसके लिए चार्ज पे करने पड़ रहे हैं ₹105। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 यहां से बनाएंगे, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। तो फिक्स्ड चार्ज तो फिक्स है, एक्स प्लस 15 किलोमीटर का पर किलोमीटर चार्ज क्या है, वाई। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय y is equal to 15y और उसका कितना देना पड़ता है, the charge paid is ₹155। तो इसका 155 चार्ज है टोटल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब 1 और 2 में से हम किसी एक से सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन से सॉल्व करें तो क्या होगा, बाय सॉल्विंग From equation number 1। तो equation number 1 क्या है, x plus 10y is equal to 105। तो x is equal to 105 और ये plus में है, इस side में आएगा तो minus में हो जाएगा, minus 10y। तो ये बन गया हमारा equation number 3। अब इसको substitute हम कार्य करेंगे, हमने किससे बनाया, 1 से 3 बनाया, तो 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, ये ध्यान रखना है। तो इसको लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 में रखते हैं इसको, इक्वेशन 2 हम उतार लेते हैं यहां पे। तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x की वैल्यू क्या है हमारी, यहां पर लिखते हैं 105 माइनस 10y। तो इसको लिख देंगे 105 माइनस 10y और उसके बाद क्या लिखना है, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो 15y में से 10y गए तो क्या बचेगा, 5y। तो यहां पर लिखते हैं 5y इज इक्वल टू 155
और ये प्लस का है, यहां पर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 10। अब यहां देखें 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 50 बचेगा। तो 5y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 50 तो यहां रहेगा और ये 5 मल्टीप्लाई में था 5y, तो अपॉन में 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन 5 बन द 5 5 10 50, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो यहां पे लिखेंगे y पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 लिखते हैं x प्लस x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 और इनटू y की वैल्यू यहां से रखते हैं, y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 टू द 100, तो 105 में से 100 माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो दो आंसर्स तो आ गए। अब हमें सेकंड पार्ट भी करना है, इसमें क्या लिखा है, हाउ मच डज अ पर्सन टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, सो 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो यहां पे पर्सन अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, सो ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो कितना पे करना पड़ेगा, तो अब यहां पे निकाल लेते हैं अपन। देखिए फिक्स चार्ज तो फिक्स है x, प्लस पर किलोमीटर चार्ज हमने क्या माना था y, तो पर किलोमीटर चार्ज y है और उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 25 किलोमीटर, तो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये पर किलोमीटर चार्ज है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 25। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इससे हमारा अमाउंट आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हम रख देते हैं 5 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है 10, यहां से रखते हैं 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10, तो 25 10 द 250, तो इतना हो गया 250, 250 प्लस 5 इज इक्वल टू 255, तो ये तीनों आंसर आ गए, तो हम आंसर्स लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखेंगे यहां आंसर, फिक्स्ड चार्जेस, सो फिक्स्ड चार्ज हमारा, फिक्स्ड चार्जेस कितना है, फिक्स चार्जेस फिक्स है, कितना x इज इक्वल टू हमारा कितना आया 5, सो रुपीज 5। एंड सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हमें क्या निकालना था, चार्जेस पर किलोमीटर, सो चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर को हमने क्या माना था y, और y कितना आया हमारा 10, तो इज इक्वल टू रुपीज 10। और थर्ड हमें निकालना था कि पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, सो पर्सन फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, यहां पे लिखते हैं चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया रुपीज 255। सो दीज आर द आंसर, ये आंसर हो गए। प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और प्लीज इस बेल आइकन को दबाइए।